बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अनवार अहमद, आप देख रहे हैं अल्लाह दीन। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसा अमल बताने वाले हैं, अगर आप इस अमल को करेंगे तो आपके लिए कयामत तक फरिश्ते आपके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहेंगे। तो दोस्तों, हर इंसान को यह अमल अपनी ज़िंदगी में एक मर्तबा तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि जो भी इसको करेगा तो कयामत तक के लिए फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहेंगे। तो आइए नाज़रीन, इस वीडियो को पूरा और आखिर तक ज़रूर देखना और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपके एक शेयर से अगर किसी ने भी इस अमल को एक मर्तबा भी कर लिया तो उसका सवाब भी आपको मिलता रहेगा। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो आइए नाज़रीन, जानते हैं इस हदीस शरीफ को। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज जमात से पढ़ता है और उसी जगह बैठकर सूरह अनआम के शुरू से तीन आयतें पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए 70 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा देता है। ये फरिश्ते अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं और उसके लिए कयामत तक दुआए मगफिरत करते रहेंगे। तो दोस्तों, आपने जान लिया ये हदीस शरीफ, दुर्रे मंसूर के अंदर लिखी हुई है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आप में से कौन कौन इस अमल को करेगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है अपने हबीब के सदके कि हम सबको ये अमल करने की तौफीक ज़रूर अता फरमाएं। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता कि इसके मुँह से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।